हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड वियतनाम सीरीज़। सो आज है हमारा डे 5 और हम लोग जाने वाले हैं दानांग से बाना हिल्स। बाना हिल्स जो है वहाँ पे गोल्डन ब्रिज पड़ता है और एशिया की लॉन्गेस्ट केबल कार पड़ती है, जो 5 किलोमीटर लंबी केबल कार है। बाना हिल्स जाने के लिए 40-45 मिनट का रास्ता है जो गूगल मैप्स दिखा रहा है। तो हम लोगों ने कल स्कूटी रेंट पे ले ली थी, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया। तो अब हम लोग उसी स्कूटी से आज जाएंगे बाना हिल्स, और अभी हम लोग निकलने वाले हैं। सुबह का टाइम हो गया 6:30, और क्योंकि यहाँ पे काफ़ी तेज़ धूप हो जाती है दिन में, इसलिए हमने भी डिसाइड किया कि हम सुबह सुबह निकलेंगे, सो दैट कि वहाँ हमें गोल्डन ब्रिज पे भी शायद थोड़ा कम क्राउड मिले। तो चलते हैं। तो बाना हिल्स आके टिकट का प्राइस है 850,000 VND, और मील वाला ऑप्शन भी है जो 10,50,000 VND के साथ है। हमने दो टिकट ले ली हैं और लगभग ये इंडियन करेंसी में अगर मैं कहूँ तो 2,800-2,700 रुपये के अराउंड आई हैं पर पर्सन, और इसके अंदर आपके मील्स इंक्लूडेड नहीं हैं, लेकिन रिटर्न टिकट है केबल कार की एंड आपका रोलर कोस्टर राइड है, सारी चीज़ें इंक्लूड हैं एक्सेप्ट म्यूज़ियम। तो चलो चलते हैं, थोड़ी भीड़ ज़्यादा है आज, बाकी फिर भी हम लोग देखते हैं एक बारी कैसे हम गोल्डन ब्रिज पे जाके खाली ब्रिज को देख सकते हैं, क्योंकि मैंने भी सुना है बहुत भीड़ होती है। तो चलिए चलते हैं भाई। यहाँ पे बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये देखो, हम लोग अपने टाइम से काफ़ी जल्दी निकले थे लेकिन स्टिल इतनी भीड़ है। तो हम लोग पहले जाने वाले हैं होयान केबल स्टेशन। टिकट चेक होने के बाद हम लोग ऊपर आ गए हैं। तो हम लोग पहुंच गए होयान स्टेशन के टॉप पे, और यहाँ पे कुछ ऐसा व्यू है, और यहीं से ही गोल्डन ब्रिज स्टार्ट होता है। तो ये है गोल्डन ब्रिज। मैं यही कहूँगा कि अगर आप आ सकते हो तो अर्ली जो एंट्री होती है ना, आप उसमें आ जाओ, क्योंकि आपको शायद से भीड़ कम मिले, या फिर आप एक टाइम और आ सकते हो, जो हमने सुना है 4 बजे तक एंट्री होती है और शाम को शायद से भीड़ कम होती है, तो आप उसमें ट्राई कर सकते हो आने का। ये जगह जो है एक व्यू पॉइंट है गोल्डन ब्रिज की, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है फोटोग्राफ क्लिक करा रहे हैं। बहुत सारे गार्डन्स हैं अलग अलग टाइप के, ये जो है थॉट गार्डन है, और यहाँ पे इन्होंने प्योर मार्बल का चेस बना रखी है। एक शायद से वाइन ग्लास बना रखा है उन्होंने। यार ये देखो, इन्होंने कितना अच्छा पीकॉक बना रखा है। इसमें खाली चोंच जो है इसकी वो सीमेंट की है, बाकी सारा इन्होंने नेचुरली इसको ऊपर से, शायद से बहुत ही अच्छा लगता होगा, बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ है यार गार्डन। सो अभी हम लोग आए हैं पगोड़ा पे। पगोड़ा जो है बुद्धिस्ट की प्रे करने की जगह होती है, और मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये फीमेल बुद्धा स्टैचू है, जिनका नाम था लिन ओंग, ये उनका स्टैचू यहाँ पे बनाया हुआ है और बहुत ही अच्छा लग रहा है।
ये जो था ईडन गार्डन है इसका नाम, ईडन गार्डन अपने यहाँ पे स्टेडियम है। हम लोग अब जा रहे हैं बॉडी ऑफ स्टेशन से कैसल की तरफ, तो ब्रिज वाला रास्ता है, वहाँ से दोबारा से आपको एक केबल कार लेनी पड़ती है जो आगे कैसल की तरफ। तो हम लोग आ गए हैं सन वर्ल्ड बाना हिल्स पे, टॉप पे जो एंट्री है एम्यूजमेंट पार्क की वहाँ पे आ गए हैं। टिकट जो है नीचे ही लगती है, तो ऊपर कोई ऐसे आपको टिकट शो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो नीचे टिकट आपसे ले लेते हैं। एक चीज़ और बता दूँ, अगर किसी दिन रेनी वेदर होता है तो जो भी जिप लाइन आपने देखी है वो ऑपरेट नहीं होती है, फॉर द टाइम जब तक बारिश हो रही होती है तब तक वो जिप लाइन जो है बंद हो जाती है। ये वो नीचे वो रोलर कॉस्टर राइड है जो अभी हम करेंगे, तो हम लोग जाने वाले इस वाली राइड में। So, ये थी हमारी राइड, हमें तो बहुत मज़ा आया, आप लोग भी आओ तो यहाँ पे ज़रूर करना, इतना स्केरी नहीं है और स्पीड आपके हाथ में है, आप खुद कंट्रोल कर सकते हो तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगी। लोग आ गए हैं फैंटेसी वर्ल्ड बारह इंच के अंदर, हम लोग जाने वाले हैं इस राइड में। तो हम लोगों ने अभी ये भी राइड करी थी और इसमें जब बैठे थे तब थोड़ा सा ऐसे सर घूमा था, लेकिन उसके बाद थोड़ा नॉर्मल हो गया। हाँ, उतरने के बाद ऐसे हल्का हल्का थोड़ा सा घूम रहा है सर। ये जुरासिक पार्क इन्होंने बना रखा है, ये देखो बटन दबाते हैं, टेल हिलाते हैं। यहाँ पे कभी भी आप आओ तो बारिश का कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आना, क्योंकि यहाँ कभी भी बारिश आ जाती है। अभी थोड़ी देर पहले खिली हुई धूप थी और सडनली जो है बारिश आ गई है और सारे लोग इधर उधर भाग रहे हैं। अभी ये ग्राउंड पूरा भरा हुआ था, एकदम से खाली हो गया। हम लोग अपने होटल से रेड जैम लाए थे, हम वो खा रहे हैं क्योंकि हमें ना यहाँ पर चिकन नहीं मिला है, यहाँ पर ऑक्टोपस श्रिम्प वगैरह पता नहीं क्या क्या मिल रहा है, तो इसलिए वो सब हम खाते नहीं हैं, तो चिकन यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो हमारे पास बैकअप के लिए हमारे पास ब्रेड जैम था, तो ये मैडम ने लगा दिया, ब्रेड जैम खाएंगे और तब तक आप एंजॉय करो, यहाँ पे बारिश हो रही है, बारिश एंजॉय करो। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मेरी सजेशन आपको यही रहेगी कि आप एंट्री के टाइम पे विद मील वाली टिकट परचेज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ का जो बुफे मेन्यू है उसमें आपको दो तीन वेज डिशेज के ऑप्शन मिल सकते हैं।
तो हम लोगों को एक ऑप्शन मिला है, क्योंकि हम लोग नॉनवेज खा लेते हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यूटेंसिल्स भी प्योर वेज वाले होने चाहिए। तो हम लोगों ने एक चीज़ ऑर्डर करी है, फ्राइड राइस नूडल्स विदाउट श्रिम्प ऑर्डर किया, मतलब उन्होंने श्रिम्प और एग नहीं डाला है, तो उससे वो वेज नूडल्स की तरह हो गई। यहाँ पे थोड़ी नूडल्स डिफरेंट टाइप की होती हैं, क्योंकि यहाँ राइस नूडल्स हाँ, तो ये ऐसा कुछ है और टेस्ट में भी अच्छा है, हमने टेस्ट कर लिया है। तो एक बार ही ये खा के फिर मिलते हैं आपसे, क्योंकि अभी बारिश बहुत आ रही है, कहीं घूमने जा नहीं सकते, तो इसलिए वेट करते हैं। भाई अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बारिश हो रही थी, उसके बाद एकदम से धूप निकली थी, और अब मौसम देखो कैसा हो गया। एक बंदे वाली एस्केलेटर, एक ही बंदा आ सकता है इसमें। वर्ल्ड में बाना हिल्स में एक ड्रॉबैक है कि अगर बारिश आ जाती है तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं बंद हो जाती हैं, तो बारिश में ये एक प्रॉब्लम होती है। लेकिन इंटरनल अगर आप देखोगे तो जो फैंटेसी वर्ल्ड है वो कवर्ड है, तो वहाँ पे आप जाके एक्टिविटीज़ इंजॉय कर सकते हो, वहाँ पे आपका एक से डेढ़ घंटा पास हो जाएगा। ब्रिज का ऑलमोस्ट खाली वाला पार्ट, और कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इसी के साथ ये व्लॉग एंड करता हूँ, और कुछ एक्टिविटीज़ जो थी बारिश की वजह से ऑपरेशनल नहीं थी, तो इस वजह से वो शायद मैं भी नहीं देख पाया, बट कोई बात नहीं, आप लोग जब आएंगे तो आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड ऑल्सो कमेंट विच पार्ट यू लाइक द मोस्ट इन द वीडियो, एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। वेलकम बैक टू द चैनल एंड वियतनाम सीरीज। सो आज है डे फाइव है ना हमारा, हाँ दोबारा से